everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. In today's video, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लीप एंड चेक टेंस बाय ईबा. तो मेरे पास 4 शेड्स हैं. मैं सर्च करके भी दिखा दूंगी. सारे के सारे इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे लगेंगे एंड उसके साथ साथ क्वालिटी के बारे में भी बता दूंगी सो दैट आप क्लियर हो जाओ कि आप लोगों को कौन सा लेना है. आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट आप उनको परचेज भी कर सको नहीं तो चेकआउट भी कर सको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. आउटर पैकेजिंग आपको दिखाना चाहती हूँ. ये है इनका आउटर पैकेजिंग. आप लोगों को ईबा के बारे में ऑलरेडी बहुत ही पता होगा. एज अ ब्रांड इन्होंने बहुत सारे लिप शेड्स निकाले हैं. बहुत ही इनका लिपस्टिक की क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगता है. काफी क्रीमी रहते हैं एंड आज हम बात करने वाले हैं इनके लिप एंड चीक टिंट के बारे में. इस तरीके से एज यू कैन सी मेरे पास 4 शेड्स अवेलेबल है. मैं आपको एक एक करके स्वॉच दिखा देती हूँ. बाद में मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटी क्या है. दिस इज द फर्स्ट शेड व्हिच इज फॉरएवर न्यूड. इट इज अ न्यूड शेड एज यू कैन सी. थोड़ा सा पिंक अंडरटोन न्यूड शेड है. बहुत ही अच्छा लगेगा इंडियन स्किन टोन पे. एंड लिप्स पे आज मैंने इसी को ही अप्लाई किया है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. एट द सेम टाइम आप इसको अपने आईज में एज आई शैडो भी यूज कर सकते हो. आप चिक टिंट की तरह भी यूज कर सकते हो. मल्टीपल वेज में आप इसको यूज कर सकते हो. प्राइस वाइज तो ये काफी अफोर्डेबल है सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी. सो नेक्स्ट शेड पे चलते हैं विच इज हिंट ऑफ रेड. ओ माई गॉड दिस शेड इज टू डाई फॉर. कैन यू सी इट इज अ ऑरेंज अंडर टोन रेड शेड. अगर आप लोग ना बिल्कुल भी मेकअप लेना पसंद नहीं करते हो एंड आप चाहते हो कि आपके चीक्स बहुत ही ग्लोई लगे एंड यू लव चीक टिंट्स देन डेफिनेटली मॉइस्चराइजर के ऊपर थोड़ा सा इसी शेड को अप्लाई कर लो एंड ब्लेंड कर लो. यू विल लव इट. एंड मैं ना आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ. ओह माय गॉड इट इज सो प्रिटी यू गाइज. शेड यू गाइज ये है हिंट ऑफ रेड एंड ये है फॉर एवर न्यूड. यू कैन सी द डिफरेंस एक्चुअली. तो मैं ना थोड़ा सा चीक्स भी अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा लुक देता है. ओ इट इज सो पिगमेंटेड यार. मैं ब्लेंडर लाना भूल गई तो मैं ना फिंगर में ही काम चला लूंगी. ओह गॉड ये बहुत पिगमेंटेड है गाइस. तो थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करना. ज़्यादा मत ले लेना फिर ना घिसते रह जाओगे पोछते रह जाओगे. नेक्स्ट शेड पे चलते हैं. नेक्स्ट इज ऑल टाइम पिंक. मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज द शेड ऑल टाइम पिंक. एंड ये शेड मुझे बहुत भी पसंद आया था एंड ये शेड कुछ ज़्यादा ही क्रीमी है. बहुत ज़्यादा क्रीमी है मतलब यार बहुत ज़्यादा. सो जो लास्ट शेड है ना वो है टाइमलेस मोका. इसको ही मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज नहीं किया है बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा न्यूड शड़फ लगा. इसको ना थोड़ा सा स्वॉच करके देखते. ओ ओ जस्ट लुक एट दैट. ये इतना भी न्यूड नहीं है गाइस. एंड इसका पिगमेंटेशन देख रहे हो. ये न्यूड शेड है. ये ब्राउन अंडरटोन न्यूड शेड है. ये जो वाला मैंने फॉरएवर न्यूड दिखाया था ना ये पिंक पीच अंडरटोन न्यूड शेड है. तो इसीलिए मुझे लग रहा था ऐसा. लेकिन अभी जब मैं देख रही हूं ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे स्किन के ऊपर. कैन यू सी. इट इज गुड. अभी हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे. हम बात करेंगे इसका क्वालिटी स्टे कैपेसिटी कितना है क्या है कैसा है. सो पहले तो बताना चाहूंगी ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट्स है. इसमें अल्कोहल नहीं है. नेचुरल प्रोडक्ट्स है. पाराबेन फ्री प्रोडक्ट्स है. तो डेफिनेटली अगर आप उन सारे चीजों को अवॉइड करना चाहते हो जो कि स्किन के लिए अच्छे नहीं है यू कैन गो अहेड विद दीज प्रोडक्ट्स. तो अभी हम बात करेंगे इसका स्टे कैपेसिटी कितना अच्छा है. आई बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने चीक्स पे भी अप्लाई किया था. मैंने लिप्स पे भी अप्लाई किया था. मैंने आईज पे भी अप्लाई किया था. सो दे वर्क डिफरेंटली बिकॉज जब मैंने चीक्स पे इनको अप्लाई किया चीक्स में ये काफी देर तक रुके. 4 to 6 आवर्स ये आराम से टिकेंगे. जिस दिन मैं बाहर शॉपिंग के लिए गई थी आप ब्लॉग में देखा होगा उस दिन मैंने इसी ब्लॉश को अप्लाई किया था एंड ये बहुत देर तक मतलब 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एकदम फेस में चीक में बहुत ही अच्छी तरीके से रुका था. आप इसको लिप्स पे लगा के थोड़ा सा खाना पीना स्टार्ट करोगे ये थोड़ा सा स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा. तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज आप कोई भी क्रीमी लिपस्टिक यूज करो. आप कोई भी क्रीमी लिपस्टिक यूज करो दुनिया का उसको यूज करने के बाद अगर आप खाते हो या फिर कुछ करते हो तो वो स्मज होता है वो स्प्रेड होता है
है. सो द मेन पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि इंग्रेडिएंट लिस्ट. इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या है, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मोरिंगा ऑयल, सी बॉटम, रोजमेरी लीफ ऑयल, ग्रेप शीड ऑयल, वैनिला फ्लेवर, रोजसिप सीड ऑयल, एप्रिकोट कर्नल ऑयल, ये सारे के सारे ऑयल इसमें मिलाया गया है जो कि बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है, जिसके वजह से आपके जो लीप्स है, चीक है, इतनी जल्दी ड्राई पैचेस नहीं देते हैं एंड बहुत ही लंबी टाइम तक टिकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों ने अपने सामने ही अभी देखा होगा कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर लिया, तो ब्लेंडिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इनका पैकेजिंग. पैकेजिंग तो भाई साहब बहुत ही क्लासी है, तो पैकेजिंग के लिए एकदम 10 out of 10 देना चाहूंगी. तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिला गया है, एनिमल टेस्टिंग फ्री प्रोडक्ट है, व्हिच इज ग्रेट. लोगों के स्किन के टाइप जो है वो डिफरेंट जरूर है, लेकिन हमारे जो स्किन कलर है वो तो सेम हो सकता है ना. अगर आप मेरी तरह डस्क स्किन टोन से बिलोंग करते हो, गो अहेड विद दिस शेड्स गाइस, दे आर सो प्रिटी एंड आप लोगों के ऊपर डेफिनेटली अच्छे लगेंगे. इतना मैं बोलती हूँ, मेरे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी, यू नो शेड्स देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, दे आर सो फ्रिकिंग गुड. ये जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा. अगर हेल्पफुल रहे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज कम्प्लीटली फ्री, कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है. सो सब्सक्राइब करो, फ्री में वीडियोज को एंजॉय करो एंड जल्दी से मुझे 10K हिट करवा दो. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन बाय.